यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। टीवी 9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ है एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता खुशियां दे, माता रानी सदा सुखी रखे। मनचाहा जीवन साथी पाने की इच्छा किसे नहीं होती। हर कोई चाहता है कि उसका जीवन साथी उसकी उम्मीदों पर खरा उतरे। इसके लिए वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करता है। लेकिन क्या हो आपका ही जीवन साथी आपकी इच्छा के विरुद्ध हो, आपके परिवार को तरजीह ना दे और आपकी भावनाओं की बिल्कुल कदर ना करे, तो जीवन बोझ सम्मान लगने लगता है। आपकी उम्र भी शादी लायक हो गई है और चाह है कि अच्छे जीवन साथी की, तो आपको आज का एपिसोड जरूर देखना चाहिए। कहीं मत जाइए, क्योंकि आपको आपके जीवन साथी इच्छा अनुसार मिलेगा। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ जानेंगे आपके राशि के पूरे दिन का हाल भी। गुरुदेव, सबसे पहले बताएं, एक लड़की मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए क्या करे। यानी चंद्र कुंडली, चंद्र कुंडली शादी के वक्त के लिए देखी जाती है और गुण मिलान के लिए भी इसी के लिए बहुत अहमियत है। सही मायने में चंद्रमा वैसे तो माँ का सुख शांति का रुपए पैसे प्रॉपर्टी का कारक है, लेकिन चंद्रमा के बिना शुक्र बेकार है, शुक्र के बिना चंद्रमा बेकार है। ठीक है, ये एक बहुत ही गहराई की बात है जो एक बड़े एस्ट्रोलॉजर जो इसको करते हैं वो समझते हैं। जैसे हम दूध पीते हैं, घी मक्खन खाते हैं, इन सब से होता क्या है, इनसे शुक्र उत्पन्न होता है, यानी आदमी में वीर्य, औरत के अंडे मजबूत होते हैं। ठीक है, उसका गायनी पार्ट बहुत अच्छा रहता है। तो कहने का मतलब चंद्रमा ही शुक्र बनाता है। ऐसी अवस्था के अंदर चंद्रमा वाला भाव यानी कि सहजता, सौम्यता, ज्ञान, मीठी वाणी का प्रयोग, ये सब कुछ जिस लड़की में भी हो या जिस लड़के में हो उसका रिश्ता बहुत जल्दी होता है ना। ये चीज, ये वाला भाव लाने के लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में मनचाहा वरदान पाने के लिए, मनचाहा वर पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत करवाए जाते हैं जो माँ पार्वती ने किए थे। ठीक है ना। तो लेकिन हो क्या क्या, आज की डेट में हमारे पास बच्चियाँ आती हैं, वो कहती हैं कि हमने तो व्रत भी किए लेकिन हमें फल नहीं मिला। बिल्कुल सही कह रही हैं वो, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन किया क्या उसमें। व्रत रखा, मंदिर नहीं गई, व्रत रखा, भोलेनाथ की पूजा नहीं करी। ठीक है, उद्यापन के दिन गई, ऐसी बहुत सारी निकली, फिर ऐसी निकली जो रात को 12 बजते ही खाना खाने दे रही। ठीक है, ये व्रत का विधान ही नहीं है। व्रत का विधान है, फिर वो बच्चियां निकली जिन्होंने दोपहर को 10 बजे उठ करके व्रत रखा। ठीक है, तो बेटा अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो, कोई आध्यात्मिक ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो आपको उसे पूरा फॉलो भी करना पड़ेगा। तो ऐसी अवस्था के अंदर व्रत वाले दिन खास तौर पे सुबह 3:30-4 बजे के बीच में उठना, सुबह उठते ही नहा धोकर के स्वच्छ कपड़े धारण करना और सुबह सूर्य उदय से पहले पहले परमात्मा का पूजन पूर्ण रूप से कथा सहित करना, और उसके बाद पूरे दिन के अंदर ना नेगेटिव सोचना, ना किसी को गाली निकालने, ना गुस्सा करना, समझे, चुपचाप अपना काम करना, बाहर का कुछ नहीं खाना पीना, समझे, और जो विधान है उसके अंदर खाने पीने का सिर्फ वही फॉलो करना। शाम को सूर्यास्त के साथ में जो भोग परमात्मा को लगा करके खाना लिखा है सिर्फ वही खाना, और उसके बाद अगले दिन सुबह 5:30 बजे के बाद अगला दिन शुरू करना, यानी कि उसके बाद कुछ भी खाओ पियो, जो भी तुम करना चाहते हो वो करो। जो लोग इस विधि के साथ, लड़का भी रख सकता है, लड़की भी रख सकती है, जो लोग इस विधि के साथ में व्रत करते हैं
उनके चेहरे का नूर अलग होने लगता है, उन लोगों के वाणी में ठहराव आने लगता है, सोच में सौम्यता आ जाती है, जिसके कारण वो हर किसी के प्रिय होने लगते हैं और बहुत जल्दी उनको मनचाहा वर मिलता है। ये रियलिटी है और ये ऐसा एक जगह नहीं, सैकड़ों या हजारों जगह पे ये मैं करवा के देख चुका हूँ। तो इसीलिए मनचाहा वर पाने के लिए यही सबसे उत्तम उपाय है 16 सोमवार का व्रत, जो पूरे विधि विधान के साथ लड़कियों को करना चाहिए। गुरुदेव, लड़की के बारे में हमने जाना, पर एक लड़का अच्छा जीवन साथी पाने के लिए क्या करे, इसके बारे में बताएं। लड़का यानी हिम्मत वाला, जिसके चेहरे पे लाली हो, जिसकी आंखों से भी नूर टपकता हो, किसी को भी अपना बना लेने वाली हंसी खुशी उसके चेहरे से झलकती हो, और काम करने लगे तो थके ना, दोस्तों का साथ देने लगे तो थके ना, हालात से ना बचे, समझ गए, और जिंदगी के अंदर कितनी भी मेहनत करनी पड़ी, अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, उसका हंस के मुकाबला करे। ये गुण जिस भी लड़के में होंगे वो आगे चल के बहुत अच्छा पति बनता है। और ये गुण लाने के लिए जिन लड़कों को बहुत ज्यादा नमक एक्स्ट्रा डाल के खाने की आदत है, बहुत चटपटा खाते हैं, शराब मांस में जाते हैं, उनके अंदर ये गुण अपने आप लुप्त होते चले जाते हैं। ठीक है, शादी से पहले तो भूल के इन व्यसनों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, और इसके लिए सच में अपने अंदर ये ताकत भरने के लिए, मेहनत से सारे कार्य पूरे करने के लिए, लोगों को जल्दी माफ करने के लिए लोग भलाई का जज्बा अपने अंदर हो, अपने रिश्तेदारों की मदद का जज्बा इसके अंदर हो, और अपने काम को पूर्णतः करके अपने परिवार को सुख देने का जज्बा जिसमें हो, बेटा उसी लड़के को पसंद बहुत जल्दी किया जाता है। और सब ये गुण लेकर के पैदा नहीं होते, लेकिन यहाँ पर हम हनुमान जी के व्रत लड़के अगर मंगलवार के दिन रखते हैं और पूरी उसी विधि के साथ कि सुबह 3:30 बजे उठ करके नहाना धोना, साफ सुथरे कपड़े पहन के हनुमान जी की पूजा अर्चना करना, भोग लगाना और हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना, इसमें सिंदूर का चोला चढ़ाना सबसे अहम चीज़ है। ठीक है, वो चमेली का तेल सिंदूर मिला करके चांदी का वर्क या सोने का वर्क कुछ लगाते हैं, ये वाली विधि का सूर्य उदय से पहले पहले इसको संपूर्ण करना पंडित जी के साथ मिलकर के, और जो इसका लिखित में विधान है सूर्य अस्त के समय सिर्फ उसी का प्रयोग करना, पूरा दिन वाकई में व्रत में रहना, इंसान के अंदर ये गुण पैदा कर देता है। एक हमारे यहाँ कहावत है, कहते खाली मटका तो भरा जा सकता है, भरे हुए को नहीं भरा जा सकता, उसमें सब कुछ छलक के बाहर निकलेगा। व्रत ठीक वही चीज़ है, जब आप जिस दिन, मान लो मंगलवार है, मंगलवार को मंगल की किरणें धरती पर सबसे ज़्यादा पड़ती हैं, उसका राज होता है, तो ऐसी अवस्था के अंदर आपको नहीं पता कि वो किस वक्त ज़्यादा पड़ेंगी किस वक्त कम पड़ेंगी। कारण क्या है, ग्रहों की स्थिति के हिसाब से कभी किसी ग्रह की किरणें ज़्यादा पड़ती कभी किसी की पड़ती है, तो आपको टाइम नहीं पता। तो ये एक व्रत का विधान बनाया गया कि मंगलवार का दिन हो, उस दिन जो भोग परमात्मा को लगाया जाता वही खाया जाता है, तो वो खाने इस तरह के होते हैं जो शरीर के अंदर उस तरह के जीवाणुओं को एक्टिव कर देते हैं, और उसके बाद में जब उनके ऊपर मंगल ग्रह की किरणें पड़ती हैं तो इंसान के अंदर की वो कमी पूरी करती है। मंगल का दुश्मन है नमकीन, चटपटा मिर्ची वाला, ये वाला जो होता है बेटा ये मंगल का दुश्मन है, और मीठा मंगल को प्रिय है, उस दिन सिर्फ मीठा ही खाना, मीठे का ही प्रयोग करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। और व्रत सुबह 3:30 बजे से शुरू करके अगले दिन 5:30 बजे तक का ये व्रत होता है, जो इस नियम से करेगा उसके अंदर उसका ओज अच्छा होगा, उसकी सोच अच्छी होगी, उसका वर्किंग अच्छी होगी, अपनों के साथ मिलन सारी अच्छी होगी, जेलस की भावना नहीं होगी, गुस्सा चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा, और ऐसे लड़के का रिश्ता हाथों हाथ हो जाता है। इतनी खास जानकारी आपको कहीं और नहीं, सिर्फ एस्ट्रो साइंस में मिल सकती है। चर्चा जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले बात करेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की। बात करते हैं मेष राशि। पिछले दिनों से जो भी काम रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, उन सारी मुसीबतों से छुटकारा पाने का दिन है आज, और उन्हीं कार्यों को करके सफलता पाने का दिन है आज, और अपने परिवार के साथ हंसते खेलते हुए चलना, उनकी सलाह लेकर के कार्य करना,
ये आपके दिन को और शुभ करेगा। तो इसीलिए सुबह सवेरे माता पिता के पांव हाथ लगाएं, कन्याओं को कुछ ना कुछ खाने को दें, परमात्मा और साथ देगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों को आज सुबह सवेरे ही कन्याओं को कुछ ना कुछ खाने को दे देना चाहिए, कुत्ते कौओं की सेवा करनी चाहिए। कारण ये है, आज आपका झुका हुआ मन, सहजता वाला मन आपका साथ देने वाला है और किसी की भी मदद मांगने में कोई आपको व्यवस्था नहीं है और कोई आपने घमंड नहीं करना। दूसरे की मदद लेकर के जो कार्य करेंगे वो उत्तम होंगे। ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर अपने आप को दिखाने के लिए, साबित करने के लिए जो कार्य करेंगे वो आपके खराब होंगे। तो इसीलिए कन्याओं की सेवा, कुत्ते कौओं की सेवा आज सहजता बख्शेगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों का जिनका आज पेट खराब है उनके लिए दिन अशुभ है और जिनके पेट में कोई दिक्कत नहीं उनके लिए बहुत शुभ है। अचानक धन संपत्ति का लाभ, किसी के साथ मिलकर के कमाई का लाभ, अचानक कहीं भी कोई भी बात फिट हो जाएगी उसके कारण लाभ, इस तरह का दिन है। तो अपने खान पान का ख्याल रखें, आराम से सहजता से चलें। आज सुबह सवेरे ही दूध में शहद मिला करके पिएं और साथ ही गुड़ और गेहूं मंदिर में देके तब दिन की शुरुआत करें। सबके लिए दिन शुभ हो। गुरुदेव, कुंडली में कैसे देखा जाए कि लव मैरिज का योग है या अरेंज मैरिज का? बेटा, हम एस्ट्रोलॉजरों के लिए तो ये मामूली सी बात है। सातवें घर का स्वामी अगर लगन के ग्रह के साथ संबंध करके बैठा हो, लगन में बैठा हुआ हो, तो लव मैरिज के योग बनते हैं। सातवें घर का स्वामी अगर पांचवें घर में बैठा हो, पांचवें घर के ग्रह के साथ में मिलकर के उसका संबंध बनता हो, तो लव मैरिज होती है। और सातवें घर के स्वामी का अगर वो तीसरे घर में बैठा हो, तीसरे घर के स्वामी के साथ में संबंध करके बैठा हुआ हो, तो बच्चा घर वालों की मर्जी से लेकिन मनचाहा जीवन साथी पाता है। ठीक है, तो ये लव मैरिज के योग हैं। और सातवें घर का स्वामी अगर तीसरे घर के साथ संबंध किया हो, तो जो पुराने समय में गंधर्व विवाह की जो कहानी आप सुनते हैं, जैसे भीम का भी गंधर्व विवाह होता पांडवों में, तो इनका होता है। और भीम बलि थे और सातवें घर के संबंध था तीसरे घर के साथ में, तो उसके चक्कर में वो पहलवान भी बने चंगे और साथ में उन्होंने गंधर्व विवाह भी। तो आपकी कुंडली में लव मैरिज का योग है या नहीं, या आपकी कुंडली में अरेंज मैरिज का योग है या नहीं, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कर्क सिंह और कन्या राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। इसके अंदर आलस्य भी लिखा हुआ है और कुछ ना कुछ वाहन चलाते समय दुर्घटना का योग भी है। अपनों के साथ में भी तनाव वाली स्थिति है। तो सुबह सवेरे एक हरा नारियल लेकर के मंदिर में अर्पित करें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। सिंह राशि वालों का हर तरह से दिन उत्तम है। जोश से शुरुआत, खुशियां मनाने का दिन, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं, आशाजनक परिणाम कामों में सब कुछ है। लेकिन अभी इस खुशी खुशी में कहीं ओवर कुछ ना कर जाए, कहीं ज़्यादा जोश से कोई ज़्यादा काम करके अपने स्वास्थ्य को प्रभावित ना कर लें, बस इसका ख्याल रखिएगा। सुबह सवेरे मीठा दूध मिश्री ये बच्चों में बांटे, आपके लिए अति उत्तम है। कन्या राशि वालों का आज भी वैसा ही कि अपनों से सलाह लेके, खास तौर पे घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर के या अपने वरिष्ठ जिनको जीवन का अनुभव ज़्यादा है उनसे सलाह लेकर के जो कार्य करेंगे उत्तम रहेंगे। परिवार के साथ खुशनुमा माहौल रहेगा, हर तरह से ठीक ठाक। लेकिन किसी की परेशानी को अगर आज आपने अडॉप्ट कर लिया, यानी कि खुद कोई परेशान है उसकी परेशानी में परेशान होना, तो दिन खराब हो सकता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर आज के दिन लाल रंग का रुमाल अपनी जेब में रखें और लाल रंग के फूल भोलेनाथ को अर्पित करके तब दिन की शुरुआत। गुरुदेव, परिवार की इच्छा से शादी हो गई लेकिन पति ऐसा मिला है जो कदर नहीं करता, सम्मान नहीं देता, तो पत्नी क्या करे? कदर और सम्मान कौन पा सकता है? जो सामने वाली की सोच से उभर करके ऊपर आए, जिसमें सब्र और धैर्य हो और इसके साथ में ज्ञान हो,
और जिसकी बातों में भोलापन झलके, ऐसा इंसान अपने आप ही दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है, है ना। और ये काम जितना भी है ये बृहस्पति देव का काम है कि आपके धैर्य को बढ़ाए, सब्र को बढ़ाए, ज्ञान को बढ़ाए, भोलापन बढ़ाए और पूरा अच्छे बुरे का ज्ञान दे करके घर में से क्लेश को खत्म कर दे। एक तो इसका ये काम है। दूसरा, बृहस्पति देव यानी कि ब्रह्मा, ब्रह्मा यानी कि जवानी को भोगने की जितनी ताकत है ये सारे का जो गुण है, हमारी हड्डियों को मजबूत करना, वीर्य को, अंडे को मजबूत करना और अंदर की ऑक्सीजन को भरपूर रखना और उस ऑक्सीजन के बल पे हमारा स्वस्थ रहना और उस स्वस्थ के कारण हमारे लीवर का अच्छा रहना, और लीवर अच्छा हो तो गालों पे चमक रहती है, समझेंगे ना। ये होठ नहीं सूखे सूखे मुरझाए हुए होते, समझेंगे, तो लीवर का इतना बड़ा काम है। और ये लीवर का संबंध सीधे के सीधा मंगल के साथ तो है, लेकिन बृहस्पति अच्छा हो तो ही अच्छा है, हमारे फेफड़े अच्छे हो तो ही अच्छा है, ठीक है। तो ऐसी अवस्था के अंदर तकलीफ किनको होती है, जिनको जुकाम, डस्ट एलर्जी वगैरह जल्दी हो जाती है, जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है, जिनको जिनका लीवर फैटी हो जाता है, और तकलीफें होती हैं, इन्हीं लोगों को पति पत्नी वाले सुखों में दिक्कत आती है। इन्हीं लोगों को पूरी जिंदगी के अंदर इग्नोरेंस मिलती है अपने जीवन साथी से, ठीक है, क्योंकि ये लड़ते भी जल्दी है। हर कोई बेचारा बन के सामने वाले की व्यथा बता देता है लेकिन अपने अवगुण नहीं बताता ये एक प्रॉब्लम होती है। तो ये गुण डेवलप हो, आपका लीवर अच्छा रहे, आपके फेफड़े अच्छे रहें, आपके गाल चमकते हुए हों, आपको ज्ञान हो, धैर्य हो, लड़ने की प्रवृत्ति ना हो, दूसरे को समझाने की बेमतलब समझाने की आदत ना हो, ये गुणों को सही मायने में डेवलप करना ही जीवन साथी को अट्रैक्ट करना होता है, समझेंगे ना, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के साथ जुड़ी हुई ये चीज़ है। क्योंकि जवानी वाला सुख भोगते हुए मियाँ बीवी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझे। ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ से डेवलप होंगी, ये औरतों के लिए खास तौर पे ये व्रत रखा गया और उसे बोलते हैं बृहस्पतिवार का व्रत, ठीक है। बृहस्पतिवार के व्रत के अंदर एक खास चीज होती है कि पीपल को जल चढ़ाना और कच्चा पीला सूत लपेटना, है ना, इससे ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में थोड़ी देर के लिए अंदर चली जाती है, जो हमारे लंग्स को क्लियर करती है, हमारे फेफड़ों को बल देती है, और उसी के साथ में जब ये ऑक्सीजन अंदर ज़्यादा जाती है, याददाश्त बढ़ती है, धैर्य बढ़ता है, संस्कारों के प्रति रुझान बढ़ता है, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, किसी भी चीज़ को, बुरे माहौल को, अच्छे माहौल को एक्सेप्ट करके अपने अनुसार उसको ढालने की कोशिश करना, ये ताकत देता है। तो इसीलिए व्रत का वही तरीका सुबह 3:30 बजे से लेकर के अगले दिन सुबह 5:30 बजे तक का व्रत करना, समझ गए, रात को 12 बजे नहीं खोलना, ठीक है। और पीले वस्त्र धारण करना, पीली वस्तुएं खाना, उस दिन परमात्मा को जो अर्पित करने वाला गुचन है वो देना, ये सारा कुछ पूरा विधान जो भी औरत फॉलो करती है, और अगर वो पति की प्रिय नहीं है तो बेटा थोड़े ही दिनों के अंदर ये व्रत घर के अंदर पूरी तरह से सुख, शांति, समृद्धि और प्यार सब उत्पन्न कर देता है। विश्वास करके एक बार करके देखिए पूरे विधान के साथ। इतनी यूनिक जानकारी आपको कहीं और नहीं, सिर्फ एस्ट्रो साइंस में मिल सकती है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे तुला वृश्चिक और धनु राशि वालों की। तुला राशि वालों को आज का दिन सुबह थोड़ा संघर्ष में लग सकता है, उनको लगेगा कि कामों के सफल होने में दिक्कत है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक बार शुरुआत करके देखिए, सारे काम सफल होते हुए नजर आएंगे, लाभ आएगा, मन प्रसन्न रहेगा। तो आप प्रसन्न हो तो आप परमात्मा को, अपने ईश को भी प्रसन्न करिए, उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ ना कुछ मिठाई उनको अर्पित करना आपके लिए अति उत्तम होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज संघर्ष में स्थिति दिखी है और उस मेहनत के अंदर काम को कामयाब करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना, काम तो कामयाब हो जाएगा लेकिन स्वास्थ्य में ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत कमजोरी सी है, और ऐसे में कोई चक्कर वगैरह आना ये भी संभव हो सकता है, इसीलिए थोड़ा सा दिन के अंदर अपना ख्याल रखिए,
आज गुड़ या मिश्री अपनी जेब में रखें। समय समय पर थोड़ी देर के बाद गुड़ खाना, थोड़ी देर के बाद मिश्री खाना, ये आपकी ऊर्जा को बना करके रखेगा। और इसके साथ ही थोड़े से फूल फल मंदिर में अर्पित करना आपके दिन की शुद्धता को और बढ़ाएगा। धनुराशि, धनुराशि के लोग आज अगर घर परिवार की छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके चलेंगे कि नहीं कुछ नहीं हुआ, किसी का बात का बुरा नहीं मानना, दो दिन बहुत शुभ है। फिर ऐसे में आप चुस्ती, चलाकी और वाणी की निपुणता से सारे कार्य सफल करेंगे। कार्य क्षेत्र में बहुत शुभ दिन रहेगा, लाभ रहेगा। और शाम को आते हुए परिवार वालों के लिए शायद आप कोई अच्छा गिफ्ट भी लेकर के आए, क्योंकि खुशी का माहौल है ना, तो सब कुछ ही अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए नेगेटिव नहीं सोचे, परिवार की बातों के ऊपर पूरा ध्यान नहीं देना, सफ़ेद रुमाल जेब में रखना है और दूध में शहद मिलाकर भोलेनाथ को चढ़ाकर तब दिन की शुरुआत करनी है, बहुत उत्तम। गुरुदेव, घर में पत्नी या बहू ऐसी आ गई जो आए दिन घर में कलह करवाती है, तो घर वाले क्या करें? बेटा, ये भी योग होते हैं और ये भी बात सत्य है कि हर चीज व्रत रख करके ठीक नहीं की जा सकती। कलह के दो कारण होते हैं शादी के बाद। एक होता है मंगल शुक्र के ऊपर पापी ग्रहों की दृष्टि का पड़ जाना, ये तो बहुत ही बुरा होता है। जीवन साथी को धोखा भी मिलता है, क्लेश भी होता है, तलाक डिवोर्स वगैरह वाले हालात बनते हैं। पति पत्नी की शादी हुई है, 10-15 साल हो गए, केस ही चल रहा है, ना अलग हो पा रहे हैं ना साथ रह पा रहे हैं, समझे? वो किसी और के जीवन के साथी के साथ है, वो किसी और जीवन साथी के साथ है, लेकिन तलाक नहीं हो रहा है, इकट्ठे बिगड़ रहे हैं। सबसे बुरा योग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, ये सबसे बड़ा रीज़न भी है, समझिए। ये लोग को कुछ नहीं लगता, ये चीज़ हो गई तो हो गई। ये वाला योग सबसे ज़्यादा खराब है, इसको इसकी सही जगह पर ही पहुँचाना घर के अंदर कलेशों को खत्म करता है। और ऐसे लोगों का काम ही एक होता है कि हर माहौल के अंदर कमी निकालना, हर किसी को ये समझना कि ये आदमी मेरे बारे में बात कर रहा है, ये मेरे को ये फ्रीडम नहीं दे रहा, ये मेरे को ये नहीं दे रहा, यहाँ पर मेरे को ये सुख नहीं है, बस इन्हीं बातों की लड़ाई होती है, ये तेरा है ये मेरा है, ये वाली प्रॉब्लम में कह रहा हूँ पैदा हो जाती है। इनको इस बात से भी जेलस होती है कि इनका अगर जीवन साथी कमा के किसी और को भर रहा है तो क्यों भर रहा है, उनके साथ क्यों रहे, ये उनको क्यों दे, ये तो मेरा है, ये वाली मानसिकता आ जाती है। ये होती है असली क्लेश की जड़। इन लोगों को 43 दिन लगातार दूध और अनार, साबुत अनार, ये मंदिर के अंदर देना चाहिए। और इसके साथ ही सतनाजा, यानी कि 7 अनाज इकट्ठे करके उनको पिसवा करके उनकी रोटियां बना करके हर रोज पक्षियों को डालनी चाहिए। मात्र इतना सा इलाज इनके जीवन को सुखमय बना सकता है, इनकी ये बुरी आदतें, लड़ने वाली आदतें इनको क्लियर कर सकता है। और वो नहीं करेगा, नेचुरली बात है, जिसके साथ है वो नहीं करेगा, उसको अपनी मानसिकता प्यारी है, तो घर के बाकी के लोग भी अगर ये उपाय कर देंगे तो घर में हर तरह की सुख शांति समृद्धि का वास होगा और ये क्लेश बंद हो जाएगा। और आप अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए आज कुछ ना कुछ खुशी आने वाली है, कोई ना कोई माहौल खुशनुमा मिलने वाला है, पार्टी हो, विवाह हो, शादी हो, कुछ भी। और इसके साथ ही कार्य क्षेत्र में आशाजनक परिणाम, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, लाभ सब कुछ होगा, लेकिन मानसिक तौर पे पीछे पीछे कुछ ना कुछ ऐसी सोचें चलेंगी जो आपको परेशान बना करके रखें। तो वो जो परेशानी वाली सोचें हैं उनको आज आप भोलेनाथ को अर्पित करें और परमात्मा पे छोड़ दें कि उसके लिए क्या होगा, बस अपने आज के दिन को इंजॉय करें, वो आपके लिए होता है। कुंभ राशि वालों के लिए दिन उत्तम नहीं है, पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए भी ज़्यादा अच्छा नहीं है और वयस्कों के लिए भी नकारात्मक विचार मन में जन्म लेंगे जिसके कारण परेशानियां खड़ी होंगी और स्वास्थ्य में भी हल्की हल्की सी स्थिति अपने काबू में नहीं होगी, तो ऐसे में मन मुटाव वाली स्थितियां पैदा हो सकती हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा पनीर पक्षियों को, कौओं को डालकर तब दिन की शुरुआत करें और धैर्य से चलें। मीन राशि, बहुत समय बाद पुराने पुराने दोस्तों से मिलके आज खुशी होगी, पुराने रिश्तेदारों से मिलकर के खुशी होगी, बड़ी देर बाद मिलन हुआ होगा,
ये भी उत्तम है। और इसके साथ ही उनके साथ खुशी का दिन तो है, लेकिन आज कोई नया काम आपने शुरू करना हो, किसी भी तरह की नई प्लानिंग करनी हो, उसके लिए भी हर तरह से दिन उत्तम है। बस फूलों की माला परमात्मा को अर्पित करें और दिन की शुरुआत करें। गुरुदेव, जीवन साथी पति या पत्नी दोनों में से कोई एक बुरी लत का शिकार हो गया, शराब व्यसन इसमें फंस गया, तो उसके लिए क्या किया जाए? बेटा, बुरी लत का शिकार कौन होता है? बुरी लत का शिकार होते हैं अपने आप को बहुत ही अच्छा समझने वाले लोग, जो कहते हैं कि नहीं, मैं क्लेश नहीं करता, मैं दूसरे का भला करता हूँ, समझे, मैं ये काम करता हूँ उसका मुझे एवज नहीं मिलता। ये वाली शिकायतें करने वाले शराब की लत में बहुत जल्दी फंसते हैं, क्योंकि एक तरफ इनको दिखावा ये करना है कि ये अच्छे बहुत हैं, और दूसरी तरफ शराब पी करके बाद में कलेश करना और बाद में शिकायतें करना कि तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुमने मेरे लिए वो नहीं किया, ये सब कुछ। ऐसे लोगों को ही उनके रिश्तेदार लूट भी जाते हैं, और जिनको ऊपर सही मायने में लुटाना चाहिए या जिनके लिए कुछ बनाना चाहिए उनको अभाव में रख लेते हैं, यानी दूसरों के काम आते अपनों के काम नहीं आते। ठीक है, इसमें दूसरे अगर स्वार्थी भाई मिल जाए, स्वार्थी यार दोस्त मिल जाए, वो लूट के खा जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की बड़ी प्रॉब्लमें होती हैं। ये चंद्रमा की नरमी के कारण और बुध की खराबी के कारण ही ये पैदा होता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर 43 दिन लगातार 200 ग्राम चावल, 200 ग्राम देसी खांड लेकर के मंदिर के अंदर दें, और बुध के उपायों में मूंग साबुत हर बुधवार को ये दान दें। और वैसे भी चंद्र और बुध का मेल ही इंसान को शराबी बनाता है, ठीक है, किसी भी नशे वाला। ठीक है, ऐसी अवस्था में इन लोगों का नाक बीच में से छिदवाकर 96 दिन के लिए नाक छेदन करवाना चाहिए। सोना या चांदी की तार डाल सकते हैं, धागा डाल सकते हैं, अगर वो भी ना हो सके तो ये करना चाहिए। और साथ में मूंग साबुत का दान और कन्या पूजन इनको अपने जीवन में रूटीन बना लेनी चाहिए कि हर बुधवार को कन्या पूजन करेंगे, तब जा कर के बेटा ये ऐब छूटते हैं, और तब जा कर के इंसान को अकल आती है, और तब अपना जीवन वो अच्छे तरीके से चला पाता है। उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो और गुरुदेव की बताई बातें आपके काम बना दें। और अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं और अपार धन और लाभ चाहते हैं तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनसे बातचीत करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 999-999-0522। आप भी जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का हमेशा के लिए अंत हो जाए, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहे हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।